दोस्तों, मैं ऋतु शर्मा फिर से हाजिर हूं आपसे जुड़ी हुई उन तमाम सूचनाओं, हलचलों और खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, सरकार की, पर्यावरण की या फिर आपके सेहत से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करेंगे कि बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या करेगी भारत सरकार। जानेंगे हवाई जहाज की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए क्या है अच्छी खबर। बताएंगे CBSE की नई पहल के बारे में। समझेंगे कि क्या है पेलिकन ट्रैफिक सिग्नल। साथ ही बताएंगे मुंबई के कैंसर पीड़ितों के लिए क्या है अच्छी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा को स्वच्छ रखने के लिए शुरू की गई उनकी नमामि गंगे योजना के तर्ज पर ही अब पहली बार यमुना को भी स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया गया है। इसी मुहिम को शुरू करते हुए बनारस की तर्ज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना किनारे आरती भी की। नवंबर शुक्रवार की शाम पहली बार यमुना जीवंत हो उठी। नृत्य, संगीत और आरती से यमुना के बेजान तट पर रौनक छा गई। दिल्ली के कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित यमुना आरती कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित दूसरे मंत्रियों ने भी यमुना को साफ करने का संकल्प दोहराया। यमुना आरती की शुरुआत सर्वधर्म प्रार्थना से की गई। इसके बाद संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अंत में सभी लोगों ने यमुना को साफ और निर्मल बनाने के लिए शपथ भी ली। गीता घाट किनारे कलाकारों ने रेत से दिल्ली की नक्काशी भी बनाई। ओडिशा के मशहूर कलाकार सुदर्शन पटनायक ने घाट के किनारे रेत से स्वच्छ यमुना अभियान को लेकर आकृति बनाई। इस आकृति में यमुना को मां के रूप में दिखाया गया। कमल मंदिर, इंडिया गेट सहित अन्य भवनों की आकृति भी रेत से उकेरी गई। इस दौरान दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा कई अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आज जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यमुना अभी साफ नहीं हुई है, हम लोग सब मानते हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। सरकार के अंदर बैठ के हम बहुत सारे कार्यक्रम अभी कर रहे हैं यमुना को ठीक करने के लिए, लेकिन आज दिल्ली, पूरी दिल्ली सरकार यहाँ बैठी हुई है। दिल्ली सरकार के सारे मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली सरकार के सारे बड़े बड़े अफसर यहाँ बैठे हुए हैं, और आज यहाँ पे दिल्ली सरकार संकल्प लेके जा रही है कि 5 साल के अंदर हम यमुना को वापस, 5 साल से बहुत पहले, लेकिन 5 साल का हम यहाँ पे वादा कर रहे हैं, 5 साल के अंदर हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है, 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। विकास और जलवायु परिवर्तन पर G20 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्डोगन और तुर्की को संबोधित करते हुए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और जलवायु परिवर्तन पर हो रहे G20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए तुर्की और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्डोगन को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के लिए एक समृद्ध भविष्य का निर्माण करने के लिए G20 के रूप में एकत्रित हुए हैं। साथ ही इस सप्ताह पेरिस में हुए आतंकी हमलों की निंदा करते हुए इसके खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। वहीं G20 में दोनों अन्य प्रमुख वैश्विक चुनौतियों, विकास और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई। भारत के विकास लक्ष्य का SDG से संबंध है। हम अपने युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के कौशल में वृद्धि और निवेश को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विस्तार की गुणवत्ता में वृद्धि और गति, अधिक उत्पादक और निवेश में लचीलापन लाने की दिशा में कार्यरत है। मजबूत आर्थिक और शासन सुधारों के माध्यम से हमने निकट भविष्य में एक उच्च विकास दर की मजबूत संभावनाओं के साथ लगभग 7.5% की विकास दर हासिल की है। साथ ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के समाधान के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं भी हैं। इसमें 2022 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 175 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता हासिल करना भी शामिल है। खराब मॉनसून के कारण भले ही फसलों के उत्पादन में कमी देखने को मिल रही है, वहीं इस साल भारतीय मसालों के निर्यात में मांग बढ़ने की आशंका बनी हुई है। साल 2017 तक मसाला बोर्ड ने करीब $3 अरब तक का लक्ष्य निर्धारित किया है।
मसालों के निर्यात में भारत में पिछले कुछ समय से बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। उसमें भारतीय मसाला बोर्ड का मानना है कि ये भारतीय मसालों को प्रोत्साहन देने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ही परिणाम है। देश से इस समय विभिन्न वैश्विक देशों को तकरीबन 52 प्रकार के भारतीय मसालों का निर्यात किया जाता है। इसके साथ ही मसाला बोर्ड को आशा है कि भारत से मसाला निर्यात साल 2017 तक $3 अरब तक हो सकता है, जो भारतीय मसाला बोर्ड ने इस अवधि के लिए निर्यात लक्ष्य भी रखा हुआ है। भारत से चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान मसालों के निर्यात में तकरीबन 30% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर शुरू हुई पदयात्रा वॉक ऑफ होप फरवरी में देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचने वाली है। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक चलने वाली है। देश में शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए शुरू की गई वॉक ऑफ होप फरवरी में दिल्ली पहुंचने वाली है। देश के 11 राज्यों से गुजरने वाली ये यात्रा 15 से 18 महीनों के बीच में 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 12 जनवरी 2015 से विवेकानंद के जन्म दिवस पर कन्याकुमारी के जीरो पॉइंट से शुरू हुई ये पदयात्रा जम्मू कश्मीर तक जाएगी। इस पदयात्रा का नेतृत्व दक्षिण भारत के आध्यात्मिक गुरु और शिक्षाविद श्री एम कर रहे हैं। फरवरी 2016 में पदयात्रा दिल्ली पहुंचेगी, जो करीब 2 हफ्ते तक दिल्ली के विभिन्न इलाकों में शांति संदेश देने के साथ जंतर मंतर पर निराहार बैठक भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य पूरे देश में सांप्रदायिक और असहिष्णुता को दूर कर शांति और सद्भाव की स्थापना करना है। जल्दी भारत सरकार देश भर में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने वाली है। इसके लिए सरकार नौकरी देने वाली परियोजनाओं की रफ्तार तेज कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रालयों को रोजगार परक योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। पीएमओ के निर्देश के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय, संचार मंत्रालय और स्टील मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की राह आसान करने के लिए नई मुहिम भी चालू करने की योजना है। पीएमओ मंत्रालय के तहत चलने वाले कई कार्यक्रमों को भी रोजगार के लिहाज से काफी अच्छा माना जा रहा है। संचार मंत्रालय को कहा गया है कि वो डिजिटल इंडिया की रफ्तार बढ़ाए और साथ ही हार्डवेयर के क्षेत्र में देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। देश भर में यात्रा करने के लिए मेट्रो लोगों की पहली पसंद है। अब इसी की तर्ज पर भारतीय रेलवे भी मेट्रो की तरह ही ट्रेन सेट तैयार करने वाली है। दिल्ली आईआईटी के छात्र अगर किसी कारण अपनी क्लास मिस करते हैं तो उन्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। देश भर में यात्रा करने के लिए मेट्रो लोगों की पहली पसंद है। साथ ही मेट्रो में साफ सफाई से लेकर समय की बचत और यात्रा भी सुविधाजनक होती है। अब इसी की तर्ज पर भारतीय रेलवे भी मेट्रो की तरह ही ट्रेन सेट तैयार करने वाली है। दिल्ली मेट्रो के तर्ज पर आने वाले ट्रेन सेट की बदौलत अब रेलवे पैसेंजरों के सफर में 15 से 20 फीसदी तक की बचत हो सकेगी। रेलवे के मुताबिक वर्ष 2018 तक इस तरह के ट्रेन सेट रेलवे की पटरियों पर दौड़ते नजर आ सकते हैं। फिलहाल रेलवे इन ट्रेन सेटों को खरीदने की प्रक्रिया में जुटी हुई है और उम्मीद है कि 15 दिसंबर को इन ट्रेन सेटों की खरीद वाले टेंडर के तहत ट्रेन सेट सप्लायर्स की पेशकश से मिल जाएगी। रेलवे ने ट्रेन सेट सप्लाई करने के लिए 5 कंपनियों का चयन किया है। इसके बाद अब 15 दिसंबर को टेंडर खोले जाएंगे। टेंडर के जरिए चुनी गई कंपनियों के साथ ट्रेन सेट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट होगा और 2 साल बाद रेलवे को ट्रेन सेट मिलने लगेगा। इन ट्रेन सेट की खासियत रहेगी कि ये स्पीड भी जल्द पकड़ लेगी और इससे अगर कोई रोकना चाहे तो इसे रोकने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दिल्ली आईआईटी के छात्र अगर किसी कारण अपनी क्लास मिस करते हैं तो उन्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आईआईटी दिल्ली ने ई कैंपस की शुरुआत की है, जिसके जरिए छात्र अपने स्मार्टफोन पर संस्थान की सभी नई जानकारियों के साथ ही कक्षा में जो भी पढ़ाया गया होगा उसका भी वीडियो अपने फोन पर देख सकते हैं। आईआईटी दिल्ली ने ई कैंपस की शुरुआत की है। इसके लिए आईआईटीडी इंस्टी ऐप लॉन्च किया गया है।
इसमें एक क्लिक पर सभी कोर्स पढ़े जा सकते हैं। इस ऐप में टाइम टेबल से लेकर हाजिरी की व्यवस्था भी है। साथ ही संस्था ने अपना सामुदायिक रेडियो भी लॉन्च किया है। ये IIT दिल्ली का आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके जरिए छात्र किसी कारण कक्षा में नहीं आ सके या फिर बीमार है तो वो इस ऐप से कक्षा में पढ़ाए गए विषयों को घर बैठकर पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही संस्थान में क्या कुछ नया होने वाला है, प्लेसमेंट में कौन सी कंपनियां आ रही हैं, पंजीकरण कब होगा, परीक्षा कब होगी, ऐसी तमाम जानकारियां भी इस ऐप पर दी जाएगी। बढ़ रहे जलवायु परिवर्तनों के खतरों को कम करने की दिशा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन पर नई वेबसाइट की शुरुआत की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक नई वेबसाइट www.justclimateaction.org की शुरुआत की है। पुणे में ये वेबसाइट जारी करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये वेबसाइट विशेष रूप से पेरिस शिखर सम्मेलन तक भारत के रुख और प्रयासों को सामने रखने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वेबसाइट में समस्त प्रयासों में पारदर्शिता लाने के बारे में ध्यान केंद्रित किया गया है। ये वेबसाइट अपने अधिकांश तत्वों को वीडियो के रूप में प्रस्तुत करता है जिसे व्यक्तिगत सामाजिक मीडिया चैनलों पर साझा किया जा सकता है। ब्रेक अवे एंड प्ले वस्तुकला पर बने प्रत्येक पृष्ठ, कहानी या खंड को दर्शक पूरे विश्व में कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट में फिल्मों, रिपोर्टरों, चित्रों में 300 GB डाटा उपलब्ध है। इसका उद्देश्य दर्शकों को छोटी फिल्मों के रूप में समृद्ध सामग्री उपलब्ध कराना है। देश भर में गौ हत्या करना और गौ मांस के कारोबार को बंद करना सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ऐसे में कई बार जाति हिंसक झड़प भी हो गई है। इसी के तहत हरियाणा सरकार ने इन सभी मामलों से निपटने के लिए प्रदेश भर में गौ संरक्षण कानून पारित कर दिया है। देश के हरियाणा प्रदेश में गौ तस्करी, गौ वध और गौ मांस खाना 12 नवंबर से पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा विधानसभा में पारित गौ संवर्धन गौ संरक्षण विधेयक 2015 को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 16 मार्च 2015 को हरियाणा ने सबसे पहले कठोर कानून बनाया। विधानसभा द्वारा पारित बिल को अनुशंसा के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी गौ हत्या पर 5 साल की जेल का प्रावधान किया गया है और बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर दोषी को 10,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हर साल नवंबर दिसंबर में आयोजित होने वाला लखनऊ महोत्सव इस साल जनवरी फरवरी में आयोजित होने वाला है। पंचायत चुनाव की वजह से लखनऊ महोत्सव का आयोजन इस साल नहीं हो सकता। इस महोत्सव का लुत्फ अब लोग 27 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 28 नवंबर, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होने हैं। ऐसे में लखनऊ महोत्सव और चुनाव की तारीखें एक साथ पड़ रही हैं। पुलिस और सुरक्षा बल चुनाव में व्यस्त रहेंगे। अब लखनऊ महोत्सव के लिए 27 जनवरी से लेकर 7 फरवरी की तारीख तय की गई है। महोत्सव में होने वाले कार्यक्रम और कलाकारों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी कलाकार और स्टाफ अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से ही अपनी प्रस्तुति देंगे। इस महोत्सव में बॉलीवुड के सितारे भी शिरकत करने वाले हैं। उद्घाटन समारोह में उस्ताद अमजद अली खान अपने बेटों अमान अली खान और अयान अली खान के साथ प्रस्तुति देंगे। गजल नाइट में मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली और बॉलीवुड नाइट के तहत सोनू निगम अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। वही कार्यक्रम का समापन पंडित जसराज और पंडित जय किशन के कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा। जल्दी किसानों को मिलने वाली सब्सिडी या फिर तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को ही मिलने वाला है। इन सभी फायदों से बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होने वाली है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा में किसानों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने पर विचार किया है। हरियाणा में हर किसान का रिकॉर्ड अब ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने फूडनेट नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस तरह की ये पहली योजना है जिसे लागू करने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके जरिए न सिर्फ किसानों के साथ होने वाली तमाम धोखाधड़ियों की संभावनाएं कम हो जाएंगी बल्कि सरकार की हर योजना का फायदा भी किसानों को घर बैठे ही मिल सकेगा। इस योजना को शुरू करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए IT कंपनियों से जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मांगे जा रहे हैं। इससे किसानों की जमीन से लेकर पैदावार की किस्में, बुआई के साथ ही फसल को बेचने तक का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा।
कम बारिश के कारण फसलों के उत्पादन में कमी के कारण देश के किसानों को जो नुकसान हुआ है, केंद्र सरकार उसकी भरपाई करने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार नई कृषि बीमा योजना लाने वाली है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बीते दिनों की बारिश से हुए नुकसान के मामले में किसानों को जल्द हर संभव मदद दी जाएगी, जिसके लिए सरकार नई कृषि बीमा योजना लाने जा रही है, जिससे कि प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। सरकार की ओर से कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार बारिश से फसलों को होने वाले नुकसान को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में लाने पर विचार करेगी। साथ ही राज्यों में फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द ही केंद्रीय टीमें प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगी। हाल की बारिश से हुई राज्यों में रबी फसलों को भारी नुकसान के साथ ही फलों सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है। उनके मुताबिक यूपी में करीब 27 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 14 लाख हेक्टेयर और पंजाब में करीब 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान होने की आशंका है। सभी राज्यों से कहा गया है कि वे अपने वहां हुए नुकसान का आकलन करें और उसे केंद्र को भेजें। इसके बाद ही केंद्रीय सहायता राशि तय की जाएगी। तब तक किसानों को राज्य अपने कोष से भुगतान करे, इसकी भरपाई केंद्र करेगा। सीबीएसई की क्या है नई पहल, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हवाई जहाज की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आप अपने दिल की धड़कन अपने स्मार्टफोन पर भी सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, दिल की धड़कनों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी आप अपने फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है देश डायरी में। हवाई जहाज की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। जो यात्री यात्रा के दौरान 7 किलो तक का सामान लेकर यात्रा करते हैं, उन्हें अब यात्रा करने के दौरान उनके किराए में 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक की छूट मिल सकती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के एक ताजा सर्कुलर के मुताबिक एयरलाइंस कंपनियां नो चेक इन बैगेज, हैंड बैगेज ओनली वाले किराए की स्कीम मुहैया करा सकती है। स्कीम के तहत यात्री अपने साथ 7 किलो तक का ही सामान हैंड बैगेज लेकर सफर करना चाहे तो उसे कम किराए का विकल्प मिल सकता है। ऐसी स्थिति में किराया 500 से 700 रुपए तक कम हो सकता है। अब इस तरह का टिकट लेने के बाद यात्री यदि 7 किलो से ज्यादा सामान लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है और चेक इन करता है तो ऐसी स्थिति में उसे जुर्माना देना होगा। जुर्माने की रकम किराए में हुई कमी से ज्यादा नहीं होगी। सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को पसंदीदा सीट के अलावा खाना पीना, पीने के पानी को छोड़कर एयरपोर्ट पर एयरलाइन लॉन्च का इस्तेमाल करना, खेलकूद का सामान, संगीत उपकरण और कुछ खास तरह के सामान के लिए अतिरिक्त रकम वसूलने की अनुमति दे रखी है। आपके बच्चे घर से स्कूल तो जाते हैं, पर वहाँ पर वो क्या पढ़ते हैं, कितनी मौज मस्ती करते हैं, ये किसी को नहीं पता होता। लेकिन CBSE ने एक नई पहल की शुरुआत की है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा ऐप बनाया है जिसके जरिए अभिभावक घर बैठे ही अपने मोबाइल से अपने बच्चे की सारी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले करीब 16,000 स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हर गतिविधि पर अब उनके अभिभावक नजर रख सकते हैं। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए इस काम में CBSE का पोर्टल और मोबाइल ऐप अभिभावकों की मदद करने वाला है। इन दोनों ही माध्यमों से अभिभावक न सिर्फ स्कूल से जुड़े रहेंगे बल्कि वो अपने बच्चे के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की तुलना स्कूल, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्कूलों के विद्यार्थियों से भी कर सकेंगे। ऐसे में अभिभावक घर बैठे मोबाइल ऐप की मदद से जान पाएंगे कि उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है और वो अपनी पढ़ाई के प्रति कितने सजग है। अब आप अपने दिल की धड़कन अपने स्मार्टफोन पर भी सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, दिल की धड़कनों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी आप अपने फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक ऐसा उपकरण विकसित करने का दावा किया है जिससे दिल की धड़कनों को न केवल स्मार्टफोन पर साफ साफ सुना जा सकता है बल्कि उसमें आने वाले उतार चढ़ावों को स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है। हार्टबर्ट्स नाम के इस उपकरण को ऑरलैंडो हेल्थ के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख शोधकर्ता ने इजाद किया है।
स्टेथोस्कोप से धड़कनों के अलावा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की ध्वनि को सुना जाता है। मोबाइल ऐप पर काम करने वाला प्लास्टिक निर्मित हार्ट बर्ड्स स्टेथोस्कोप के ऊपरी हिस्से के आकार का पोर्टेबल उपकरण है। इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सकता है। इस ऐप को इस्तेमाल करते समय डिवाइस को हाथ में रखना जरूरी है, जिसके बाद आप अपने स्मार्टफोन पर दिल की धड़कनों को सुन भी सकते हैं और उनमें होने वाले उतार चढ़ावों को देख भी सकते हैं। अभी तक राहगीरों को सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग के ग्रीन होने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब राजधानी दिल्ली वासियों को इससे निजात मिल गई है। अब आने वाले समय में सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल को मुसाफिर खुद ऑन कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 36 जगहों पर पेलिकन ट्रैफिक सिग्नल की सेवा शुरू हो गई है। इसका फायदा पैदल यात्रियों और वाहन चालकों दोनों को ही हो रहा है। पेलिकन सिग्नल तभी चलता है जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने जा रहा हो और उसे ऑन करता हो। बाकी समय ये सिग्नल बंद रहता है और वाहन सड़क पर चलते रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 2 वर्ष पहले ये योजना बनाई गई थी, जिसकी शुरुआत अब की गई है। कैंसर से परेशान मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। अक्सर मरीजों के इलाज के लिए बार बार घर से अस्पताल जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुंबई में टाटा कैंसर अस्पताल के 400 कैंसर पीड़ितों को रहने के लिए निवास मिलने वाले हैं। देश भर से मुंबई के परेल स्थित टाटा कैंसर अस्पताल में इलाज कराने आने वाले कैंसर पीड़ितों के रहने के लिए निवास की व्यवस्था की जा रही है, जिससे इलाज के दौरान 400 कैंसर पीड़ितों और उनके परिजनों को निवास की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। वडाला स्थित माहौल इलाके में SRA की 2 इमारत खाली पड़ी है, जिसे टाटा कैंसर अस्पताल में इलाज कराने वाले कैंसर पीड़ितों के निवास के लिए देने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण ने अपनी मंजूरी दे दी है। 26 जुलाई 2005 में भारी बारिश से तबाही के बाद पीड़ितों के पुनर्वास के लिए वडाला में 2 इमारतों का निर्माण कराया गया था। विभिन्न कारणों से इन इमारतों में रहने के लिए अब तक कोई नहीं आया। खाली पड़े इन दोनों इमारतों को टाटा अस्पताल में इलाज कराने आने वाले कैंसर पीड़ितों को रहने के लिए देने का प्रस्ताव रखा गया है। ये प्रस्ताव महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दीपक सावंत ने रखा है। साथ ही इस इमारत में कैंसर के मरीजों के साथ उनके परिजन और अस्पताल के डॉक्टरों के भी रहने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 Sector 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, PIN 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120498000, साथ ही 0011।